हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि ब्रूम स्टिक से आप कैसे डेकोर करने के लिए कुछ आइटम बना सकते हैं। तो ये जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, ये फ्लावर पॉट में लगाने के लिए बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आपको ब्रूम स्टिक को ले लेना है, इसमें जो रेसे होते हैं उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर थर्मोकोल की कुछ बॉल्स लेना है और उसको बड़े ही सेफली इसके अंदर डालना है, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक एक इंच की दूरी पे आप ढेर सारे थर्मोकोल बॉल्स को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे थर्मोकोल बॉल्स को, लगभग इसमें चार आए हैं, तो हमने चार इसमें अच्छे से थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा दिया है। इसी तरह से हम बाकी की स्टिक्स में भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हमें करना ये है कि हमने एक पेपर बिछा लिया है जिसपे हम किरकिरी को अच्छे से गिरा लेंगे। ये हमने डार्क ग्रीन कलर की किरकिरी ली है। इस पूरे किरकिरी को हमने एक पेपर पर ले लिया। अब हम ये जो ब्रूम स्टिक है जिसमें हमने थर्माकोल बॉल्स लगाई है, इस स्टिक पे हम पूरा फेविकोल लगा देंगे ताकि ये किरकिरी जो है वो उस पे अच्छे से चिपक सके। तो कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैंने सारी स्टिक्स पर अच्छे से थर्माकोल लगा दिया है। हमने इसमें अच्छे से फेविकोल लगा लिया है। अब हम एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे सारे फेविकोल को। अब हमारे पास ये जो किरकिरी है, इसे हम इस स्टिक पर पूरे अच्छे तरह से लगा लेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारी स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की सारी स्टिक्स को कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखेंगी सारी स्टिक्स, कलरफुल। अब आपको अपने जो भी आपके पास फ्लावर पॉट है उसमें आप इसे अच्छे से लगा सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक फ्लावर पॉट था जिसमें मैंने इसको लगा लिया है। ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप भी अपने घरों में ये बनाइए।